क्लॉथ्स, शूज एंड बैग्स पेश करते हैं कंप्लीट कलेक्शन। सैंडल्स, शूज, हैंडबैग्स, ट्रैवल बैग्स भी। फैंसी डिजाइन, हाई हील्स, कैजुअल, ऑफिस वेयर, डेली वेयर। क्लॉथ्स, शूज एंड बैग्स सेल्फ मैन्युफैक्चर है अफोर्डेबल प्राइस के साथ अप टू 50% डिस्काउंट। तो आज ही आए क्लॉथ्स, शूज एंड बैग्स। प्रहार टाइम्स की न्यूज देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं हूं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुमरा कौसा में मनपा ने दुकानें खुलने का समय सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक कर दिया है। मनपा का कहना है कि मुमरा कौसा में कोरोना मरीजों की संख्या एक बार फिर बढ़ रही है, इसलिए ये कदम उठाया गया है। वहीं MIM के कलवा मुमरा के अध्यक्ष शैब पठान, नगर सेवक शाह आलम ने मुमरा प्रभाग समिति AMC सागर सालुंखे को लेटर देकर दुकान खुलने का समय बढ़ाने की मांग की है। वहीं दुकानदार और शहर के लोगों में भी इस पर तरह तरह की बातें सामने आ रही है। लोगों का कहना है कि क्या सिर्फ शाम 7 बजे से सुबह 9 बजे तक कोरोना फैलता है? सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक कोरोना आखिर कहाँ चला जाता है? मार्केट में काफ़ी भीड़ होती है, पूरा दिन सड़कों पर लोग चल रहे होते हैं। लोगों का ये भी कहना है कि अगर कोरोना की संख्या वाकई में मुमरा कौसा में बढ़ रही है तो क्या सिर्फ शाम 7 बजे से सुबह 9 बजे तक सिर्फ और सिर्फ क्या दुकानें ही बंद करने से कोरोना रुक जाएगा? सड़कों पर वाहनों की तो भीड़ कम नहीं होती है, मगर वहीं मनपा अधिकारियों का कहना है कि बढ़ते कोरोना को रोकना बहुत जरूरी है, जो दिशा निर्देश जारी किया गया है उसका पालन करें। दुकान खुलने के समय को बढ़ाने की मांग को लेकर MIM पार्टी के शैब पठान और शाह आलम ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। देखिए, आप देख सकते हैं कि अभी हमारी पूरी टीम MIM की तरफ से जो शहर के हालत बने हुए हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि 7 बजे TMC निकलती, पूरा शहर बंद करवा देती, उससे काफ़ी लोग परेशान है। उसके रिलेटेड हमारी टीम ने आज यहाँ पर आकर के जो नए आयुक्त आए हैं सागर सालुन के साहब मुमरा प्रभाग समिति के, उनसे मुलाकात की और हमने उनसे रिक्वेस्ट की है कि जो भी यानी आपने टाइमिंग बांधाया है वो जहाँ जहाँ पर रेड जोन दिए गए हैं, जहाँ पर यानी कोरोना ज़्यादा है वहाँ के लिए टाइमिंग है, तो हमारा ग्रीन जोन में आता है, यहाँ पेशेंट्स कम मिल रहे हैं, हमारे शहर वाले काफ़ी परेशान हो रहे हैं टाइमिंग से, तो आप ये प्लीज़ ये टाइमिंग चेंज करिए और हम लोगों को टाइम बढ़ा के दीजिए, क्योंकि हम ग्रीन जोन में हैं। यहाँ का व्यापारी जो समुदाय है वो काफ़ी परेशान है, इससे उनके लिए हमने मांगनी की है। जैसे कि आपको पता है कि जहाँ जहाँ ग्रीन जोन दिया गया है वहाँ पर लॉकडाउन नहीं लगाया गया है, उसको वो कैटेगरी में नहीं लिया गया, तो हमारी ये रिक्वेस्ट है कि हमारे वहाँ अभी लॉकडाउन नहीं है परफेक्टली, और यहाँ के जो लोग हैं ना काफ़ी परेशान है जो टाइमिंग को लेकर के। देखिए, बहुत से लोगों का जो जहाँ पर धंधा है ना वो 7 बजे के बाद शुरू होता है, मुमरा थोड़ा लेट शुरू होता है यहाँ मॉर्निंग के बजे, तो हमने यही मांगनी की है कि टाइमिंग ना रख करके जैसे एक नॉर्मल डेज में मुमरा ओपन रहता है वैसा हम लोगों को ओपन लिया छोड़ा जाए, ताकि हमारे वहाँ पर लोगों को कुछ प्राय बने, कुछ बिजनेस बने। इस लॉकडाउन के खिलाफ इसीलिए तो हमने, हमारी पार्टी MIM ने जो लेटर दिया है AMC साहब को, इसीलिए दिया गया है कि जो मुमरा शहर के अंदर कारोबारी हालत एकदम ख़राब है, ना लोग अपनी दुकानों के भाड़े भर सकते, ना लोग अपने बच्चों की फ़ीस भर पा रहे, ना अपने राशन कर पा रहे, तो हमारी MIM की पूरी ये मांग है कि आयुक्त साहब से कि मुमरा ग्रीन जोन है तो ग्रीन जोन में नॉर्मल तरीके से धंधा होने दिया जाए, दुकानों को खोलने का परमिशन दिया जाए। और दूसरा, मैं मुमरा शहर के लोगों से और दुकानदारों से गुजारिश करता हूँ कि आप लोग अपना जो टेस्टिंग चालू हो उसको टेस्ट करवाइए, फ्री टेस्ट है ताकि किसी को परेशानी नहीं होवे, और इंशाल्लाह ताला जो तमाम फैसिलिटी है जो थाना महानगर पालिका के तरफ से दी जा रही है और जो गाइडलाइन है कोरोना को लेकर उसके ऊपर पूरा ध्यान दे के लोग सोशल डिस्टेंसिंग रखे, कारोबार करें, और जो अपने घरों के अंदर जो नुस्खे अपने हैं आयुर्वेदिक वो सबका इस्तेमाल करें। मेरी ये उम्मीद है पूरा थाना महानगर पालिका के आयुक्त साहब से कि इंशाल्लाह ये जो फैसला मुमरा के लिए लिया गया उसके ऊपर वो नज़रशानी करेंगे, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि मुमरा को ग्रीन जोन की वजह से वापस से हमारी तमाम दुकानें को खोलने का परमिशन मिलेगा इंशाल्लाह।